काशी जो हिंदी फिल्म बनने वाली है, धीरज कुमार निर्देशित फिल्म है और उसमें म्यूज़िक जिस तरह से दिया गया है, निश्चित तौर पर फिल्म आने से पहले ही उस म्यूज़िक को अगर हम कहें तो लोगों के बीच काफ़ी जो है पॉपुलर हो चुका है वो म्यूज़िक। और म्यूज़िक के डायरेक्टर हमारे साथ विपिन पटवा जी आज मौजूद हैं। स्वागत है आपका सिटी बॉस लैब में। किस तरह का म्यूज़िक आपने उसमें दिया है? देखिए, काशी बनारस की फिल्म है, बनारस में शूट हुई है, तो ऑब्वियसली संगीत भी हमारा उसके आसपास का होना चाहिए। तो हमारा जो टाइटल ट्रैक है काशी का, वो महादेव से रिलेटेड है, भगवान भोलेनाथ के ऊपर बनाया गया है गाना, और वहाँ की होली उसको स्पेशली दिखाया गया, क्योंकि काशी फिल्म अभी 26 को ही रिलीज़ है, 2-3 दिनों बाद। तो सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है कि आप पिक्चर ज़रूर देखें, और जो गाना है उसका बम बम भोले काशी, वो लोगों को पसंद किया जा रहा है, तो मैं आपको अभी एक दो लाइनें सुना भी देता हूँ। आप बिराजे गंगा तट पे, आप बिराजे गंगा तट पे, नजर रखे हो हर संकट पे, जटधारी लटधारी हर पग पग साथ में डोले, बम बम बोले बोले काशी, हर हर गंगे बोले काशी, बम बम बोले बोले काशी, हर हर गंगे बोले काशी, ये होली है काशी की होली, ये होली है काशी की होली, ये होली है काशी की होली। तो मेरी गुजारिश है कि आप पिक्चर एक बार देखें और आप गाने को सर्च करें और सुने, आपको मज़ा आएगा। और पिक्चर भी बहुत अच्छी बनी है, एक अलग से फिल्म बनी है, जैसी दिखती है फिल्म वैसी है नहीं। आप जब इसको पूरी फिल्म देखेंगे सिनेमा हॉल में जाके तो आपको मज़ा आने वाला है। विपिन जी, क्या जिस तरह का म्यूजिक आप दिए हैं इस फिल्म में, आगामी भी कई प्लान होगा कि कई फिल्मों में आप म्यूजिक डायरेक्ट करेंगे, तो क्या लोकल जो ट्विंस है उसको भी इसमें मिलाते हैं, लोकल फोक को भी इसमें मिक्स करते हैं क्या? हमने इसी फिल्म में लोकल फोक को यूज़ किया है। जो इस फिल्म का जो दूसरा गाना है जो होली का, उसमें हमने भोजपुरी और फोक म्यूजिक को लाया है, जिसका वो जिसके बोल है, आया है झूम के फगुनवा, भिगोए चोली मेरा बलमुआ, मेरा बलमुआ, मेरा बलमुआ, रेड येलो लेके ब्लू रंग वाला गाए रंग मेरा बलमुआ। तो हमने भोजपुरी को भी लाया है इस फिल्म में, और बड़े तमीज़ से, बड़े उसको स्टाइलिश करके, बड़े मॉडर्न तरीके से गाने में पेश किया। आप जब फिल्म देखेंगे तो आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि फिल्म में गाना भी जो होली का गाना है वो भोजपुरी का ही गाना है। तो जो आपका सवाल है उसका जवाब ये कि आप एक बार गाना देखें तो गाने में भोजपुरी का भी टच है। यानी निश्चित तौर पर भोजपुरी का टच गाने में दिया गया है, संगीत में दिया गया, और इस तरह के भोजपुरी के लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है जिसमें कि अश्लीलता नहीं हो। तो कहीं ना कहीं इस बार जिस तरह की म्यूजिक विपिन जी ने दी है, तो ये आप इस फिल्म को देख करके, इनके गाने को सुनकर ये नहीं कह सकते हैं कि भोजपुरी जो भाषा होती है या उसकी जो गाना होती है वो अश्लील होती है। कैमरामैन संजीव आर्या के साथ कुंदन कर्ण, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।